नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी मिश्रा। सन 2003 में राजनीति और अपराधीकरण पर बनी प्रकाश झा की फिल्म में एसपी के किरदार में अजय देवगन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म गंगाजल में अपराधियों पर पुलिस की जबरदस्त कार्यवाही को दर्शाया गया था। ऐसे ही फिल्म सिंघम में भी पुलिस की अपराधियों पर कार्यवाही को दर्शाया गया था। जी, हम आपको आज रूबरू करवा रहे हैं ऐसे ही जाबाज पुलिस अधिकारी, जिनका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मैनुअल्स और अपनी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं गैर कानूनी और गलत तरीके कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी प्रत्याशी या किसी सपोर्टर ने जितने बड़े गैंगस्टर या अपराधी या उसके परिवार का सपोर्ट लिया, तो ये चुनाव छोड़ दो, अपनी सात पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओ। ये है मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव। एसएसपी अभिषेक यादव ने अति संवेदनशील गांवों में मतदान स्थलों का मुआयना किया और ग्रामीणों से पारदर्शी चुनाव कराने के सुझाव लिए। एसएसपी ने कहा कि चुनाव में किसी उम्मीदवार का अपराधियों से गठजोड़ अथवा समर्थन पाया गया तो दोनों बख्शे नहीं जाएंगे। डीएम ने आईजी पब्लिक स्कूल को मतगणना केंद्र बनाने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पाफटी में एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा कि विक्की त्यागी, मीनू त्यागी के परिवार का यदि किसी ने सपोर्ट लिया तो उसका इलाज बांध दूंगा, जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ेगा। किसी भी प्रत्याशी ने गैंगस्टर का सपोर्ट लिया तो ये चुनाव तो भूल जाओ, अपनी सात पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे। इसके बाद बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव जोला में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने तल्ख लहजे में प्रत्याशी से कहा कि यदि किसी ने भी वोटरों को प्रलोभन दिया, शराब बांटी या अन्य गलत काम किया तो तुम जीतो या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। हमें दो सूचना, बूथ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से किसी एक नंबर पे दो, कंट्रोल रूम में दो, हमें दे दो, डीएम साहब को दे दो, एसडीएम है, सीओ है, थाना प्रभारी है, जिसको तुम्हें ठीक लगे उसको सूचना दो। आप बैठिए। और मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी के भी दिमाग में ये बहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए तमीज से लड़िए, मुझे नहीं पता आपने आज से पहले कैसे लड़ा है चुनाव, मेरे टाइम पे ये नौटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए, फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए और जितने गांव के लोग हैं भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, आप रहोगे पांच साल प्रधान चुनोगे तुम, प्रधान होगा तुम्हारा, अगर वो शराब पिला रहा है, अगर वो किसी को धमका रहा है, अगर वो कोई भी नौटंकी कर रहा है जिसकी साले की पहले ही नीयत खराब है, क्या करेगा वो तुम्हारे काम के लिए पांच साल में? सही सही बिल्कुल। तो अपना दिमाग लगाइए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, पांच साल आपके गांव में आपके काम होगा, चाहे बारात घर बने, चाहे रोड बने, स्कूल में काम हो, जो भी होने हैं आपके अपने व्यक्तिगत काम हो, तुम्हारे गांव के प्रत्याशी हैं कोई आज तो पैदा नहीं हुए, गांव में है शुरू से, देख रहे हो तुम कैसा है, नियत तुम्हें पता ही है, जिसकी नियत पहले साफ नहीं है बाद में कैसे हो जाएगी, जब वो बन जाएगा तब तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते उसका, आज तो फिर भी हाथ जोड़ रहा हो, बाद में तो बनने के बाद तुम क्या ही कर लोगे, अगर अभी दो पौवे के लिए तुम वोट दे दोगे अपना तो बाद में किसको कोसोगे भाई, 19 के बाद कौन पिला रहा तुम्हें, कोई पिला रहा है क्या 19 के बाद?